नमस्कार, मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज के इस वीडियो में हम इन्फ्लेशन और उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या होता है, तो देखिए, ए जनरल इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। और हमको पता है कि जब भी प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ मनी घटता है। तो इन्फ्लेशन का पूरा जो डेफिनेशन है वो ऐसा बनेगा कि जब जनरल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है एंड फॉल इन परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी होता है तो उस घटना को इन्फ्लेशन, महंगाई या मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब इसके प्रकार की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये तीन प्रकार से देखी जा सकती है। एक तो है डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब वस्तु और सेवाओं की डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ने के कारण प्राइस बढ़ती है, और डिमांड से जो प्राइस बढ़ी उससे जो इन्फ्लेशन आया उसे डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन कहा जाता है। इस फेनोमेना में होता क्या है, तो देखो ऐसा होता है कि इकोनॉमी में, हमारे जो इकोनॉमी है उसमें वस्तु और सेवाओं को प्रोड्यूस करने की एक लिमिट होती है, एक क्षमता होती है, और जब डिमांड उस क्षमता से ज्यादा बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया है, ज्यादा परचेजिंग पावर आ गया है, तो जब हमारी क्षमता से, इकोनॉमी की क्षमता से जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके कारण जो इन्फ्लेशन होता है उसे डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन कहा जाता है। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब वस्तु और सेवाओं को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है तो प्राइस इंक्रीज होती है, तो ऐसे फेनोमेना को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। तीसरा जो है वो बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन कुछ ऐसा फेनोमेना है जैसे कि क्या होता है कि जो वर्कर होते हैं तो वो इन्फ्लेशन को देख के, महंगाई को देख के ज्यादा सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं, तो ट्रेड यूनियन या मजदूर यूनियन जो है वो सैलरी को बढ़ाने की बात करेगा, वेज बढ़ाने की बात करेगा, तो वेज जब बढ़ा दी जाती है तो उसका असर होता है कि कॉस्ट पर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो वस्तु और सेवाओं की कीमतें भी बढ़ जाएगी, तो इस तरीके से जो कीमतें बढ़ती है उसे बिल्ट इन इन्फ्लेशन कहा जाता है। आइए डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है कॉमोडिटी इन्फ्लेशन। कॉमोडिटी मतलब वस्तु। जब मार्केट में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है क्योंकि उसका शॉर्ट सप्लाई हो जाता है तो उसे हम कॉमोडिटी इन्फ्लेशन कहते हैं। कॉमोडिटी इन्फ्लेशन के बाद है डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। सरकार के जब खर्चे बढ़ जाते हैं और सरकार के खर्चे बढ़ जाते हैं तो वो खर्चे अल्टीमेटली लोगों के पास जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ परचेजिंग पावर। तो लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ने से लोगों की डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने से कीमतें बढ़ती है, तो ऐसी कीमतें बढ़ना मतलब ऐसे इन्फ्लेशन को डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है हिनार्थ मैनेजमेंट। सरकार जब अपने खर्चे को पूरा करने के लिए, टू फुलफिल द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार जब नई मुद्रा का सर्जन करवाती है आरबीआई से, तो उस नई मुद्रा से भी, खर्च से क्या होता है, लोगों के पास परचेजिंग पावर जाता है और परचेजिंग पावर बढ़ने से लोगों की डिमांड बढ़ती है, और लोग जो है वो ज्यादा डिमांड करेंगे तो प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ता है उसे हम बोलते हैं ये हिनार्थ मैनेजमेंट है या फिर ये मोनेटाइज्ड इन्फ्लेशन है। उसके बाद है क्रेडिट इन्फ्लेशन। क्रेडिट इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे देश में बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये जो काम कर रहे होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रेडिट देते हैं, चीप मनी देते हैं, मतलब कम इंटरेस्ट पे ज्यादा से ज्यादा लोन देते हैं, तो लोग ज्यादा लोन लेते हैं और लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा और लोग अलग अलग तरह की वस्तुओं की भी मांग बढ़ा देंगे। जब इस तरीके से मांग बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, ऐसे इन्फ्लेशन को क्रेडिट इन्फ्लेशन कहा जाता है। उसके बाद एक दूसरा जो प्रकार है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में हम इन्फ्लेशन स्पाइरल को देख सकते हैं। इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या होता है, तो देखो ऐसा है कि जब वर्कर्स जो होते हैं वो महंगाई बढ़ने से अपने सैलरी की, वेजेस की बढ़ोतरी की मांग करते हैं तो वेजेस को बढ़ा दिया जाता है। जब वेज बढ़ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ जाता है तो कीमतें बढ़ जाती है, तो कीमतें बढ़ गई मतलब महंगाई बढ़ गई, तो फिर से वर्कर बोलेंगे देखो मार्केट में फिर से महंगाई बढ़ गई है, हमारा फिर से वेजेस बढ़ाओ, तो फिर से वेजेस बढ़ा दिया जाता है, तो क्या होता है फिर से कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन और बढ़ जाता है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ जाता है तो क्या होता है, फिर से महंगाई बढ़ गई, तो उसके लिए फिर से वेज राइज किया जाता है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, फिर प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ने से फिर से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, तो इस तरीके से एक स्पाइरल, एक चक्र, एक सर्कल बन जाता है। और इसी सर्कल को, इसी फेनोमिना को इन्फ्लेशन स्पाइरल या फिर वेज प्राइस स्पाइरल कहा जाता है। तो इस तरीके से कुछ वेज पुश इन्फ्लेशन होता है और हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि हमारे देश में तो प्राइस नॉर्मल थी लेकिन प्राइस अभी बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि दूसरे देश में प्राइस बढ़ी है जहां से हम इम्पोर्ट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इज कॉज बाय राइज इन एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स। सो ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स इंपोर्टेड, द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज ऑफ दैट इम्पोर्ट। इसे हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। एग्जाम्पल ले तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ऑयल, सो ये ऑयल का प्राइस इंक्रीज हुआ है, ये इंपोर्ट पुश इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हिडन इन्फ्लेशन। हिडन इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब होता है ना पैकेट के ऊपर आप देखते हो, वस्तु खरीदने जाते हो तो कोई पैकेट पे प्राइस तो सेम है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द प्राइस रिमेन द सेम, बट उसका इनडायरेक्टली वेट है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है, या शेप शेप या साइज कुछ भी चेंज हुआ है और उसके कारण इसका जो प्राइस है वो हिडनली इंक्रीज हुआ है। ऊपर से तो सेम लग रहा है तो उसे हम हिडन इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे मैगी पहले 10 रुपये में आती थी और अभी भी 10 रुपये में आती है, लेकिन आप देखोगे तो पहले जितना ग्राम आता था उससे कम ग्राम आ रहा है, मतलब वजन कम हो गया। तो डायरेक्टली प्राइस को नहीं बढ़ाया लेकिन अंदर जो पैकेट था उसके वजन को कम कर दिया, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, इनडायरेक्ट फॉर्म में हो गया। तो इसे हम हिडन इन्फ्लेशन, छुपी हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है मार्क अप इन्फ्लेशन। मार्क अप इन्फ्लेशन को एडमिनिस्टर्ड इन्फ्लेशन भी कहते हैं कि जब भी सरकार किसी वस्तु सेवा के ऊपर टैक्स बढ़ा देती है तो प्राइस इंक्रीज हो जाती है, या फिर सब्सिडी को घटा देते हैं तो भी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो सरकार के ऐसे मैनिपुलेशन से, सरकार के ऐसे मार्कअप करने से, टैक्स बढ़ाने से या सब्सिडी को घटाने से जो प्राइस बढ़ती है उसे मार्क अप इन्फ्लेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इन्फ्लेशन का टाइप है बॉटल नेक इन्फ्लेशन। बॉटल नेक इन्फ्लेशन में क्या होता है, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेन, एक लिमिट होती है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके कारण जब डिमांड बढ़ रही होती है, प्राइस बढ़ रही होती है तो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो प्राइस फिर बढ़ती रहेगी और बढ़ती रहेगी, जिसे बॉटल नेक इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट इन्फ्लेशन का टाइप है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो टोटल इन्फ्लेशन का डेटा होता है उसमें फूड एंड एनर्जी के प्राइसेस को माइनस किया जाता है जो हमें मिलेगा, तो जो मिलेगा उसे कोर इन्फ्लेशन कहेंगे। कोर इन्फ्लेशन कंसीडर प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट कॉमोडिटी प्राइसेस लाइक प्राइस ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स एटसेट्रा एंड ऑयल प्राइसेस। ऐसा क्यों किया जाता है कोर इन्फ्लेशन में? कोर इन्फ्लेशन में से हम फूड प्राइसेस एंड एनर्जी प्राइसेस को क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि उनके प्राइसेस डेली बदलते रहते हैं, बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए माइनस किया जाता है। अब देखो एग्रीकल्चर मार्केट में जाओगे तो आप देखोगे रोज के रोज प्राइस बदलता है, या फिर ऑयल के लाइक पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, सीएनजी गैस है, ये सब पुरवाने जब आप जाते हो अपने व्हीकल में तो क्या होता है, आप देखते हो कि रोज के रोज इसके प्राइस थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो ऐसे जो बदलने वाले बहुत ज्यादा वॉलेटाइल प्राइसेस है उसको निकाल दिया जाता है। तो टोटल इन्फ्लेशन में से ये फूड एंड एनर्जी के प्राइसेस को जब निकाल दिया जाता है तो जो हमें प्राइस का डेटा मिलेगा उसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। सूत्र में ऐसे बोल सकते हैं All items of consumer price index minus food and energy prices is equal to core inflation. Core inflation के बाद next inflation जो है, next type जो है वो है headline inflation. हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सभी गुड्स के प्राइसेस को कंसिडर करता है। तो हम बोल सकते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन इज अ मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग कॉमोडिटीज लाइक फूड एंड एनर्जी प्राइसेस, ऑयल, गैस एटसेट्रा।
which tend to be much more volatile and prone to inflation spikes. इसमें सारे डेटा आ जाते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर नीचे हम इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन के ट्रेंड को देख सकते हैं. इसका सूत्र ऐसा बनेगा, गुड्स प्लस सर्विसेज इज इक्वल टू हेडलाइन इन्फ्लेशन. तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड प्राइसेस एंड एनर्जी प्राइसेस को शामिल किया जाता है. तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब प्राइस लेवल बढ़ता है तो उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है, लेकिन जब प्राइस लेवल घटता है, वस्तु और सेवाओं की कीमतें घटती है, तो उसे डिफ्लेशन कहा जाता है. इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ेगी, डिफ्लेशन में प्राइस घटेगी. दोनों फेनोमिना एक दूसरे के उल्टे हैं. अब देखते हैं स्क्यूफ्लेशन क्या होता है. जो नेक्स्ट टाइप है हमारा वो स्क्यूफ्लेशन है. तो हमारे देश में जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के बहुत सारे सेक्टर्स है. जैसे हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, सेक्टर के अंदर भी सब सेक्टर्स होते हैं. तो अब ऐसा फेनोमिना देश के अंदर, इकोनॉमी के अंदर ऐसा फेनोमिना जिसमें कुछ सेक्टर में इन्फ्लेशन देखा जाता है और दूसरे कुछ सेक्टर में डिफ्लेशन देखा जा रहा होता है, तो ऐसे फेनोमिना को स्क्यूफ्लेशन कहते हैं. जैसे प्रैक्टिकली देखने में ऐसा लगेगा कि हम जब प्राइस, एग्रीकल्चरल प्राइस देखते हैं, जब फूड आइटम्स खरीदने जाते हैं, वेजिटेबल्स और अनाज खरीदते हैं, तो उसके प्राइजेस ज़्यादा होते हुए दिखाई देते हैं. लेकिन दूसरे सेक्टर में जैसे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कपड़े खरीदने जाते हैं, तो सपोज कपड़े का प्राइस घट रहा होता है, तो ऐसे फेनोमिना को हम बोलते हैं कि ये स्क्यूफ्लेशन है. आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं. इसे देखने के लिए धन्यवाद. थैंक यू.